गाइज वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोमिंग फ्लेमिंगो पर। आज का जो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा होने वाला है, क्योंकि मैं आपको आज लेके आया हूँ राजस्थान में। राजस्थान का जो नाथद्वारा एरिया है, जहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिवा स्टैचू बना हुआ है, जिसके हाइट ऑलमोस्ट एक 369 फीट है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू जो बनाया हुआ है, उसके दर्शन मैं आज आपको कराने वाला हूँ। तो देखिए वीडियो कैसा बनता है, चलिए बने रहिए आखिरी तक। जय श्री शंभू। गाइस काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, यहाँ पे मैं इतने दूर आ तो गया है, बट यहाँ पे मुझे परमिशन नहीं मिल रही। यानी यहाँ पे भाई पब्लिकली ओपन नहीं किया हुआ है इन लोगों ने। मैं अभी मिराज ऑफिस में भी गया था, हेड ऑफिस जो यहाँ से एक 5 किलोमीटर दूर जो है अपना शिव मूर्ति से, जैसे पीछे में आपको शिव मूर्ति जो दिख रही है, यहाँ से मैं नीचे उतर कर पहाड़ियों से नीचे उतर कर इनके ऑफिस में भी गया, वहाँ पे परमिशन लेने की कोशिश की, बट परमिशन नहीं मिली। तो ये वीडियो शायद से पूरा नहीं हो पाएगा, बट मैं ये वीडियो इसलिए पोस्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि अभी ये जो शिव मूर्ति है, मेरे वीडियो के थ्रू यहाँ पे जो आने वाले जो लोग हैं उनको पता चले कि अभी शिव मूर्ति का सिर्फ उद्घाटन हुआ है, इनॉग्रेशन हुआ है, अभी तक के इन लोगों ने ये पब्लिकली ओपन नहीं किया हुआ है। तो मैं वहाँ पर ऑफिस में लोगों को बोला भी कि अगर ये पब्लिकली ओपन नहीं हुआ है तो आप लोगों ने
इश्तिहार देना चाहिए था, नेट पे अपना पब्लिश करना चाहिए था। तो देखते अब क्या होता है। तो मैं वापस शिव मूर्ति की तरफ मैं जा रहा हूँ, अगर वहाँ से कुछ जुगाड़ होता है तो देखते। सर एक बंदा आया है, यूट्यूबर है। गैस देखिए इतने दूर से लोग आ रहे हैं और यहाँ पे इनको डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है काफ़ी। सिर्फ 5 मिनट का काम है। नहीं नहीं आगे से ऑर्डर है, नहीं काम चल रहा है। अभी अरे काम चल रहा है, यहाँ तो बोलते जाके सिर्फ फोटो दिखा। नहीं नहीं गाड़ी यहाँ पार्क करके, गाड़ी अंदर ले लेंगे हम, पैदल आएंगे उधर। नहीं 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 गैस जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं और सवेरे से यही हो रहा है। अभी मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ पे हूँ तो काफ़ी दूर से लोग आ रहे हैं, बट यहाँ पे इन लोगों को परमिशन नहीं दिया जा रहा है। देखो यार यहाँ पे हर बार ऐसे ही हो रहा है, काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, इनको परमिशन नहीं मिल रही है। ये पब्लिक के लिए ओपन अभी नहीं हुआ है ये। जैसे देखिए अभी 5 मिनट में जैसी गाड़ी आ रही है, गुजरात से आई हुई है, यहाँ पे भी लोग मना कर दिया जाने के लिए। गैस जैसे देख सकते हो आप लोग यहाँ पे काफ़ी डिसअपॉइंट हो रहा है लोगों को, काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं लोग। जैसे एक DOT यहाँ पे। हेलो सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम राघव राज है। राघव राज जी, अच्छा कहाँ से आए सर आप? हम लोग पुणे से आए। आप पुणे से आए हुए? ओके। सो गाइज आपको यहाँ पे अभी देखने के लिए नहीं मिल रहा है? नहीं नहीं मिला हमें देखने को। हाँ हम लोग बहुत दूर से आए, हमने काफ़ी टाइम मशक्कत की यहाँ पे आने के लिए। ओके बट उनको दर्शन मिल रहा है। हाईली डिसअपॉइंट हुए आप यहाँ पे आके। वैसे मैं मॉर्निंग से देख रहा हूँ यहाँ से कम एक घंटे से यहाँ पे 30 से 35 गाड़ियाँ बाहर अदर स्टेट से आ चुकी है। हाँ, बट अंदर नहीं जाने दे रहे इन लोगों ने। तो इशू करना चाहिए था पेपर में या फिर ऐसा पब्लिकली करना चाहिए था, बेसिकली इनको नोटिस देना चाहिए था, इशू करना चाहिए था, उसको पब्लिकेशन करना चाहिए था कि अगर नहीं हो रहा दर्शन तो आप बोलो आप पब्लिक को। हाँ पब्लिक को कि अभी फिलहाल में पब्लिक के लिए ओपन, पैसे इन्वेस्ट करके यहाँ पे आते हैं तो नहीं होता। ओके 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 फाइन सर। यस ओके। देखिए जैसे दिल्ली राजस्थान अदर स्टेट से भी यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही, बट राजस्थान के अदर सिटी से भी यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही है, बट ये इन लोगों ने शायद अभी तक पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया कि अभी बंद है ये। लोगों का काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है यहाँ पे आके। गैस आज का जो वीडियो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट तो नहीं हुआ है। कंप्लीट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे अंदर जाके पास से आप लोगों को मैं मूर्ति के दर्शन नहीं करा पाया। फिर भी मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगा। मैं वीडियो पोस्ट करने के बाद में आप लोग भले ही इसे लाइक ना करें पर इसे शेयर ज़रूर करें। शेयर करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वीडियो देखने के बाद में मुझे और मेरे जैसे काफ़ी सारे लोगों को जो दिक्कतें आई है नाथद्वारा राजस्थान में वो बाकी लोगों को ना आए, वो वीडियो देख के समझ जाए कि अभी मूर्ति का सिर्फ इनॉग्रेशन हुआ है, इसे पब्लिकली ओपन नहीं किया हुआ है। तो प्लीज़ वहाँ जाने के पहले पूरा इन्फॉर्मेशन लेके जाए।